अगला क्वेश्चन है रितु, 8 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल, द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटिंग बाई हर ब्रदर सोमू, हाउ मच पार्ट ऑफ एप्पल डिड सोमू एंड ईट, हु हैड लार्जेस्ट शेयर बाई हाउ मच। रितु ने 3/5 पार्ट एक एप्पल का वो खा लिया, जो रिमेनिंग एप्पल था वो उसके भाई ने खाया सोमू ने, कितना पार्ट जो है उस एप्पल का सोमू ने खाया और किसको लार्जेस्ट शेयर मिला और कितना मिला। तो रितु ने कितना खाया 3/5, सोमू ने कितना खाया, एक में से 3/5 माइनस कर दो उतना सोमू ने खाया, तो 1 - 3/5, 1 और 5 का एलसीएम 5 होता है, तो पहले हम चेंज करते हैं जिसका 5 डिनोमेटर है, ठीक है, तो 1/1 × 5/5 करेंगे और 3/5 × 1/1 करेंगे, तो 5/5 - 3/5 मीन्स 5/-3/2/5 पार्ट सोमू ने खाया। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि 3/5 इज़ ग्रेटर दैन 2/5, मतलब रितु ने ज़्यादा खाया, तो डिफरेंस कितना होगा 3/2 शेयर का, 3/5 - 2/5 विल बी 3 - 2 - 1/5, तो रितु का शेयर ज़्यादा था सोमू के शेयर से बाई 1/5। ओके, लैंग्वेज देख लेते हैं, फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज़ गिवन डैट पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाई रितु इज 3/5, ओके, पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाई सोमू इज 1 - पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाई रितु इज 1 - 3/5, विच मीन्स 1 - 3/5, तो एलसीएम ऑफ 1 and 5 इज 5। नाउ लेट अस चेंज ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इंटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग 10 एज द डिनोमिनेटर, सो 1/1 × 5/5 इज 3/5 × 1/1, सो 5/5 - 3/5 इज 5 - 3/5 इज 2/3, सो पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाई सोमो इज 2/3, सो 3/5 इज ग्रेटर दैन 2/5, सो रितु हेंस रितु एट लार्जेस्ट साइज ऑफ एप्पल। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द 32 शेयर 3/5 - 2/5, सो 3/2 - 5 इज 1/5, दस रितु शेयर इज लार्जर दैन शेयर ऑफ सोमू बाई 1/5। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है।